अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे और सर्दियाँ अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मखड्डी हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हमारी फैमिली में बहुत पसंद किया जाता है, आप भी बनाइएगा, इंशाल्लाह देखिएगा आपके घर वालों को भी पसंद आएगा। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? हमें चाहिए सबसे पहले मैदा 250 ग्राम्स हम लेंगे, फिर सूजी भी 250 ग्राम्स लेंगे, देन शुगर 300 ग्राम्स लेंगे, घी इसके अंदर जाएगा 100 ग्राम, या आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, बट घी के साथ इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। केवड़ा हम डालेंगे इसके अंदर, केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डालेंगे खुशबू के लिए, इलायची हम डालेंगे खुशबू के लिए, 8 से 10 दाने काफ़ी होंगे। फिर हम इसके अंदर जो नट्स हैं उसमें हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं मेवा, रेजन्स डाल सकते हैं, वी कैन ऐड आलमंड्स, बादाम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें कोकोनट भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, बट हम चूँकि नहीं डालते तो इस वजह से मैं नहीं डाल रही हूँ, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो उससे एक अच्छा सा कलर और फ्लेवर भी आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी आज की। आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होगी। मैंने सबसे पहले सूजी और मैदे को एक बाउल में डालकर मिक्स किया है और फिर इसके अंदर पानी डाला है, और इतना पानी डाला है कि ये थोड़ा सा रनी है, और इसको अब मैंने मिक्स करना है, और अच्छे से मिक्स करेंगे हम ताकि इसमें कोई लम्प्स ना हो। जब लम्प्स नहीं होंगे तो फिर हम इसके बाद इसका करेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे, और इसको आप 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ दें तो उससे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और अच्छे से पकता है ये हलवा। तो अब हम, चूँकि ये मेरा मिक्सचर अब हो चुका हुआ है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप। जी नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने सबसे पहले घी को गर्म करना है और उसके अंदर हमने इलायची दाना डाल दिए, और इलायची दाना देखें अब हल्का हल्का सा कड़क रहा है, जब ये कड़का के इसको फिर इसके अंदर डालना है हमें चीनी, शुगर। अच्छा, शुगर ऐड करने के बाद बी केयरफुल, जब ये हलवे वगैरह जब हम बनाते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब हमने इसको चीनी को इसके अंदर, एक तो ये सारी चीनी मेल्ट होएगी और दूसरा इसके अंदर जो है कलर हमने हलवे का कैसा रखना है उसके, अगर हम ज़्यादा डार्क करना चाह रहे हैं तो हम चीनी को ज़्यादा पकाएंगे और ज़्यादा ब्राउन करेंगे। मुझे जो है मीडियम कलर पसंद है तो इस वजह से मैं इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब हम इसको पकने देंगे। अगर आप चाहें तो स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, इससे ये होगा कि स्पीड अप हो जाएगा आपका प्रोसेस शुगर का मेल्ट होने का। बट बी वेरी केयरफुल क्योंकि अभी इसके अंदर घी है। अब हम इसको अच्छे से मिलाकर और इसको चीनी को डिसॉल्व कर लेंगे और साथ में ही इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन कर लें या आप हनी ब्राउन कर लें, इतना काफ़ी है। अगर आप इसको ज़्यादा ब्राउनिश साइड पर ले जाएंगे तो फिर इससे ये होगा कि आपके हलवे का कलर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। अब सबसे पहले हमने इसको चीनी को डिसॉल्व करना है। अब ये देखें, अब इसका कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, अब इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन है, और इसका जो है अभी मैं थोड़ा सा और इसको डार्क करके फिर इसके अंदर चम्मच चलाते हुए हमने इसके अंदर डालना है सूजी और मैदे का मिक्सचर। अच्छा, ये रेसिपी जो है ये मेरी देवरानी ने मेरे साथ शेयर की थी, सो अ बिग शाउट आउट फॉर हर एंड थैंक यू सो मच, शी इज़ नाउ माई उस्ताद। नाउ वी विल ऐड और मिक्स करेंगे, बी केयरफुल। अब जो इसका है
इसका क्या, किसी भी हलवे का सबसे मुश्किल पार्ट होता है कि उसको, अब उसकी भुनाई। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे, और हमने इसकी भुनाई कब तक करनी है, जब तक कि इसका सारा का सारा ऑयल घी ऊपर ना आ जाए। तो अब हम बस अब इसकी भुनाई करते जाएंगे। ये अब आप देख रहे हैं, अब ये आहिस्ता आहिस्ता से अपनी शक्ल बनाना शुरू हो रहा है। ये देखिए, इसको अच्छे से पकाते जाइए पकाते जाइए। अभी ये ऑयल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसके बाद ये सारा ऑयल एब्जॉर्ब होगा, फिर उसके बाद ये सारा ऑयल दोबारा से छोड़ेगा, फिर हमारा स्टेप हो जाएगा कंप्लीट। सो चुके हैं अच्छी खासी जान मारते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, और किशमिश हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, क्योंकि किशमिश भी थोड़ा सा बीच में पकेगी तो उसकी भी मिठास आएगी। अच्छा, अब इस स्टेज पे आपको आम रिवायती हलवों से कम घी लग रहा है इसके अंदर, तो उसकी रीज़न ये है कि हम लोग अपने घर में थोड़ा हाथ रोक के यूज़ करते हैं घी को। तो अगर आपको इसमें और घी ऐड करना हो तो आप 500 ग्राम्स तक जा सकते हैं, यानी आप उतना घी ऐड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं दो से करती हूँ क्योंकि मुझे जो है वो फिर ये नॉन स्टिक है, यू नो, फिर मुझे इसको अच्छे से हिलाने में मदद मिलती है। अब हमने इसको तकरीबन 5-10 मिनट और भूनेंगे और हमारा हलवा हो जाएगा रेडी। इसके अंदर बादाम भी क्रश्ड डाल दें, कुछ आप गार्निश के लिए कर दें, और इसी स्टेज के ऊपर आप इसके अंदर कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसको अच्छे से, इसके लम्ब्स को तोड़ तोड़ के इसकी भुनाई करिएगा ताकि ये अंदर से कच्चापन इसका फील ना हो, और आपका हलवा रेडी।